हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ क्वेश्चन रधाकर। और इस वीडियो में आप सीखेंगे टेंस। तो सर, ये वीडियो आपके टेंस के बारे में। तो टेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपका जो प्रेजेंट टेंस का सबसे लंबा पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो ये आपका टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ वर्ब के हिसाब से आपका जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, वो आपका फोर टाइप्स का होता है। पास्ट टेंस भी आपका फोर टाइप्स का होता है और फ्यूचर भी आपका फोर टाइप्स का होता है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में पहले फोर टाइप से पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपके चार टाइप में ये टेंस डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से आपका पास्ट भी चार टाइप में डिवाइड हो जाता है और इसी तरह से आपका फ्यूचर डिवाइड होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी चीज़ प्रेजेंट में होती है, सिंपल नॉर्मल होती है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह सुनता है, वह रोता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, आता है, तो वो टेंस कौन सा कहलाता है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये तो हिंदी में पहचानने को है, लेकिन अगर हमें स्पीकिंग के थ्रू अगर इंग्लिश में करना हो तो किस तरह से? तो इंग्लिश बेसिकली डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पर, पहचानना। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, डू और डज। तो डू का जो यूज होता है वो आपका होता है प्लूरल के साथ, और डज का यूज जो होता है वो आपका होता है सिंगुलर के साथ। तो आपका डज सिंगुलर क्या होते हैं सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर थिंग, जो भी कोई सिंगल थिंग होती है वो। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल थिंग, और मोर देन वन जो भी होता है आपका क्या कहलाता है? प्लूरल थिंग्स कहलाते हैं। तो आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको हम फर्स्ट ग्रुप कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट इसको हम सेकेंड ग्रुप कहेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के साथ आपका डज का यूज होता है, सेकेंड ग्रुप के साथ आपका डू का यूज होता है। अब आप एक यूनिवर्सल लॉ है इसका, और वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में होता है, सिंपल में नहीं होता। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला। तो आपका फर्स्ट ग्रुप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अगर जिस भी सेंटेंस में, जिस भी टेंस में आपका एस ई एस लगा है, समझ लो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सेकेंड ग्रुप का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस नहीं लगता। तो दोनों ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड में फर्क क्या है? उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस लगता है और सेकंड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस नहीं लगता है। जैसे सिंपल मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं आई के आपका सेकंड ग्रुप रहेगा, तो इसलिए आई गो टू मार्केट। वह बाजार जाता है, तो वह क्या आपका आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, ही गोस टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो गो जी ओ, इसमें ई एस लग गया। आपको मैं ऐसे ही इसका भी थोड़ा रूल बता देता हूँ। जिन भी वर्ब में आपका लास्ट में एस डबल एस एक्स सी एच सी डबल एस एच एंड ओ ये होता है, तो वो आपका उसमें ई एस लगता है और बाकी सभी में एस लगता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। स्पीकिंग में थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा लिखने में थोड़ा फर्क पड़ता है, स्पीकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी? डू और डज। डज का यूज होता है आपका फर्स्ट ग्रुप के साथ और डू का यूज होता है आपका सेकंड ग्रुप के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखें, यूनिवर्सल लॉ है आपके लिए कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, हमेशा नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगी। अलग 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 टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी जानते हैं। तो अलग अलग, तो बस आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। जो आपका डू था वो किसके साथ भी होता है? सेकेंड ग्रुप के साथ, इसलिए आई डू नॉट गो टू मार्केट। आप डू नॉट को और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। डू का यूज होगा डोंट और डज का यूज होगा डजेंट। और प्रोफेसर अच्छा लगता है जब आप डू डू नॉट की जगह डोंट बोलेंगे और डज नॉट या डजेंट बोलेंगे। तो
जैसे आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, ही डजेंट गो टू मार्केट, ही के साथ फर्स्ट ग्रुप है, ही डजेंट गो टू मार्केट, दिस इज अ सिंपल वे, ही डजेंट गो टू मार्केट। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं, ही डजेंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं, ही डजेंट लाइक इट, गॉट इट। तो इस तरह के बहुत सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव आपका क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, इंटरोगेटिव बनाना तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, मतलब सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका जैसे, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, डू आई लर्न द इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, मतलब आप क्वेश्चन करो, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो ये जानता है, क्या वो ये जानता है, वो तो डज ही नो दैट, डज ही नो इट, मतलब इस तरह के आपको नोइंग, डज ही और डू आई, मतलब आपका यू, जैसे आगे यू यूज करेंगे, जैसे तुम, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, डू यू नो इंग्लिश, इस तरह से। तो ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। आपको आया समझ में, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस देम, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस आपको रूल्स को थोड़ा माइंड में रख के स्पीकिंग बोलना है, स्पीक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप बोलेंगे आपको अपने आप ना ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है क्या है, आपके अपने नेचुरली आपके अंदर से वो चीज़ निकलेगी। तो टेंस ये बिल्कुल आपका बेसिक था, और स्पीकिंग के लिए मोस्ट है आपका टेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट कमेंट करें, हम आपको उसको सॉल्यूशन करके आपको वीडियो देंगे और आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से हो, आप किस कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।